ये रोती चिल्लाती बिलकती छात्रा होश में नहीं है। ये छात्रा कभी भागने लगती है, कभी बैठ जाती है, कभी रोने लगती है तो कभी चीखने लगती है। ये मामला चंपावत जिले का है। जिला मुख्यालय से 93 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रमक में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की छात्राओं के साथ एक घटना हो रही है। छात्राएं नवंबर के आखिरी हफ्ते के शुरू होने के बाद से ही अजीबोगरीब हरकत करने लगी हैं, जिसको देखकर पूरे कॉलेज में सनसनी मची हुई है। छात्राएं अचानक चिल्लाने लगती हैं और गिर पड़ती हैं। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि छात्राओं को संभालने के लिए कई छात्रों को एक साथ आना पड़ता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे ये छात्रा बेकाबू होकर इधर उधर गिर रही है, जिसे संभालने की कोशिश कुछ छात्र जरूर कर रहे हैं लेकिन वो नाकामयाब हैं। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखकर आप जरूर हैरान हो रहे होंगे कि ये छात्राएं आखिर क्यों इस कदर चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं। पार्टी ब्लॉक के रमक जीआईसी में 82 छात्राएं और 69 छात्र पढ़ते हैं। स्कूल प्रशासन के मुताबिक नवंबर के आखिरी सप्ताह से 6 से लेकर इंटर तक की कई छात्राएं अचानक सिर घूमने, सिर दर्द होने की शिकायत के बाद रोने लगती है, चिल्लाने लगती हैं और भागने लगती हैं। रोज इंटरवल के बाद 5 से 7 छात्राओं को इस तरह की शिकायत होती है। अभी तक 82 छात्राओं में से करीब 39 छात्राएं इसकी चपेट में आ चुकी हैं। हर दिन नई छात्राएं इसकी गिरफ्त में आती जा रही हैं। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों की बैठक बुलाकर इस मामले की विभागीय उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है। इन छात्राओं के परिजनों के मुताबिक ये दैवीय प्रकोप है, जिस वजह से ये छात्राएं इस कदर हरकतें कर रही हैं। दैवीय प्रकोप को ध्यान में रखकर झाड़ फूंक किया जा रहा है, क्योंकि परिजनों का मानना है कि छात्राओं की अजीबोगरीब हरकत का इलाज झाड़ फूंक है। आपको बता दें, ये मामला बुधवार शाम तब सामने आया जब मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना स्कूल पहुंचे थे। वहीं शिक्षा विभाग की माने तो ये छात्राएं मास हिस्टीरिया से पीड़ित हैं। मास हिस्टीरिया क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। हिस्टीरिया आमतौर पर मनोविकार या मनोविज्ञान समस्या है। इसमें पीड़ित अंदर ही अंदर घुट रहा होता है और अपना दर्द किसी को बता नहीं पाता। पहाड़ में ऐसे मामलों में ज्यादातर देवडांगर और झाड़ फूंक का सहारा लिया जाता है। वहीं आपको बता दें, क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लाधिया घाटी के 2 और स्कूल में बीते 2 माह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब ये दैवीय प्रकोप है या कोई मानसिक बीमारी, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। चंपावत से सूरज बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।